Hey, what is up guys, my name is Rahul and you are watching my channel Anime Strong. तो गाइस हमारी आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं डोरेमोन के कुछ ऐसे सीन्स के बारे में जो कि इंडिया के अंदर सेंसर्ड कर दिए जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम ब्रीफ में बात करने वाले हैं। तो गाइस विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। वेल, जैसे कि आप सभी लोग जान रहे हैं डोरेमोन एक जैपनीज एनिमे है एंड बेसिकली हम लोगों को इसमें कहीं ना कहीं जैपनीज ट्रेडिशन देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है इंडियन ट्रेडिशन के मुकाबले। एंड ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें जापान के अंदर नॉर्मल हैं वो इंडिया के अंदर भी नॉर्मल हो सकता है कि वो चीज़ें इंडिया में नॉर्मल ना हो। एंड सेम ऐसा ही है, अगर जो चीज़ इंडिया के अंदर नॉर्मल है तो हो सकता है कि वो चीज़ जापान में नॉर्मल ना हो, यानी कि दोनों ट्रेडिशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप लोग बात करो जापानी ट्रेडिशन के बारे में तो आप लोगों ने शिनचैन एनिमे में भी काफ़ी बार देखा होगा कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन साथ में नहाते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा आप लोगों को बहुत कम ही देखने को मिलेगा। वेल, हम इसके बारे में इंडिया में खुलकर बात भी नहीं कर सकते। वेल, इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हम लोग किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे, लेकिन तब तक हम लोग बात कर लेते हैं कुछ सीन्स के बारे में जो कि हम लोगों को इंडिया में देखने को नहीं मिलते, लेकिन अगर आप लोग बात करोगे जैपनीज एपिसोड की तो आप लोगों को वहाँ पर वो सीन देखने को मिल जाते हैं। वेल, ये एपिसोड आप लोगों को याद ही होगा, ये हम लोगों को इंडिया में काफ़ी बार दिखाया गया है, लेकिन ये जो सीन है वो हम लोगों को कभी भी इंडिया के अंदर नहीं दिखाया गया है। इसके अंदर बेसिकली होता है क्या है कि नोबिता ऐसा अज्यूम करता है कि शिज़ुको उसके सामने कपड़े बदल रही है। वह बदल भी रही थी, लेकिन नोबिता को लगता है कि वो पूरी तरह से इंटरेस्ट हो चुकी थी एंड वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहा था, लेकिन एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। शिज़ुको ने सिर्फ अपनी जैकेट उतारी थी, लेकिन नोबिता को लगता है कि उसने अपने पूरे कपड़े रिमूव कर दिए थे। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों ने इस एपिसोड को टीवी पर ज़रूर देखा होगा क्योंकि इंडिया में काफ़ी बार एड हो चुका है, लेकिन ये सीन जो था वो रिमूव था। वेल, मूविंग ऑन टू द वीडियो, और बात करते हैं सेकंड सीन के बारे में। इसमें हम लोगों को दिखाया जाता है कि नोबिता डोरेमोन से गैजेट लेता है जिसकी हेल्प से वो इनविजिबल हो जाता है। अब उसके दिमाग में एक आइडिया होता है एंड वो सोचता है कि क्यों ना वो शिज़ुको को नहाते हुए देखे। तो वो शिज़ुको के बाथरूम में जाता है, लेकिन जैसे ही वो शिज़ुको के बाथरूम में एंटर करता है वो जो इनविजिबिलिटी थी वो अचानक से गायब हो जाती है एंड नोबिता शिज़ुको के सामने आ जाता है, जिसे देखने के बाद शिज़ुको नोबिता के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है और उसके ऊपर पानी फेंक कर उसे वहाँ से भगा देती है। वेल, हम लोगों ने दो सीन्स के बारे में बात करी है जो कि दोनों ही एपिसोड्स में से लिए गए हैं, लेकिन अब जिस सीन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो डोरेमोन की एक मूवी में से लिया गया है जो कि इंडिया के अंदर आ चुकी है। आप लोगों ने डेफिनेटली इस मूवी को देखा होगा। इस मूवी का नाम है डोरेमोन नोबिता एंड द स्टील ट्रूप्स। तो इसके अंदर हम लोगों को दिखाया जाता है कि कैरेक्टर होती है जिसका नाम होता है रीरू, वो कम्प्लीटली हम लोगों को नेक्ड दिखाई जाती है, लेकिन एक्चुअल मूवी के अंदर इंडिया वाली हम लोगों को सीन नहीं दिखाया जाता। वेल, अब आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना कि आप लोग जब ये मूवी देख रहे थे तो क्या आप लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया था या फिर नहीं। वेल, मूविंग ऑन टू द वीडियो, बात करते हैं लास्ट सीन के बारे में। इसमें हम लोगों को नोबिता और नोबिता के डैड दिखाए जाते हैं एंड यहाँ पर नोबिता के डैड नोबिता को निला रहे थे, लेकिन इस वक्त वो लोग दोनों ही कम्प्लीटली नेक्ड थे, जिस रीज़न की वजह से इस सीन को इंडिया वाले एपिसोड में से रिमूव कर दिया गया। सो अब ऐसे एक दो नहीं बल्कि ढेर सारे एपिसोड एग्जिस्ट करते हैं जिसमें से कुछ ना कुछ रिमूव कर दिया गया है एंड फिर इसके बाद इसे इंडिया के अंदर लाया जाता है। अब यहाँ पर काम करता है सेंसरशिप बोर्ड जो कि चेक करता है कि जो भी चीज़ें इंडिया में दिखाई जा रही है वो बच्चों के लिए सुइटेबल है, बच्चों के लिए नहीं बल्कि ऑल टाइम की ऑडियंस के लिए सुइटेबल है या फिर नहीं, वो ये सब कुछ चेकआउट करता है एंड उसके बाद ही कोई भी चीज़ इंडिया के अंदर टेलीकास्ट की जाती है। वेल, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आप लोग सेंसरशिप बोर्ड से सहमत हो या फिर नहीं, और अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, क्योंकि उससे होगा ये कि आपको हमारी आने वाली किसी वीडियो की अपडेट या फिर नोटिफिकेशन कभी भी मिस नहीं करनी पड़ेगी। टिल देन, बाय बाय एंड यू कैन एंजॉय द आउटरो।